गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर एक जर्मन जलवायुवेत्ता था, जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट। इन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखी, डाइक इन टेस्टा हंग डेर कॉन्टिनेंट और ओजियन। इसका इंग्लिश में पब्लिकेशन 1924 में किया गया। वेगनर्स ने महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति को समझाने के लिए जलवायु परिवर्तन को मुख्य आधार माना। वेगनर्स के अनुसार प्रारंभिक कार्बोनिफेरस काल में पूरे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है, क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि सभी महाद्वीप किस युग में एक साथ जुड़े हुए थे। आपको आंसर लिखना है प्रारंभिक कार्बोनिफेरस काल, अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड। जो महाद्वीपीय भाग थे वे सियोल के बने हुए थे, इसे सियोलिक खंड कहा गया और यह सीमा के ऊपर तैर रहे थे। सीमा को अधा अस्तर कहते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इस महाद्वीप को वेगनर ने पैंजिया कहा। यह एक यूनानी टर्म है, ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, ऑल अर्थ। पैंजिया के सतह पर छोटे छोटे आकार के आंतरिक सागर फैले हुए थे। पैंजिया के चारों ओर जल घेरे हुए था, जिसे पैंथालासा कहा गया और यह यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है आद्य प्रशांत महासागर। कार्बोनिफेरस काल के अंतिम या अंत में पैंजिया दो विशाल खंडों में टूटने लगा। पैंजिया जो है इसमें बाइफर्केशन हुआ, उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। मैं यह डायग्राम से थोड़ा क्लियर कर दूं, आप ध्यान देंगे। डायग्राम देखिए, आरंभिक कार्बोनिफेरस काल के दौरान, अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड, अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान जो है सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप जो है सियोल के बने हुए थे, जिसे कि सियोलिक ब्लॉक के नाम से जाना गया, और इस सॉलिड रिजिड पार्ट को वेगनर्स ने पैंजिया कहा। और इनके आंतरिक भाग में यहाँ वहां आंतरिक जल भाग भी थे, और इस सॉलिड रिजिड पार्ट को जो है महाद्वीप को चारों ओर से जलीय भाग घेरा हुआ था, जिसे वेगनर्स ने पैंथालासा कहा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होने की संभावना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस युग में सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। आपको आंसर लिखना है अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड या आरंभिक कार्बोनिफेरस काल। दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि महाद्वीप किससे बने हुए थे। आपको लिखना है सियोल, और जो लिक्विड फॉर्म था वो किस चीज का बना हुआ था। आपको लिखना है लिक्विड फॉर्म को किस नाम से इन्होंने पुकारा, तो आपको आंसर लिखिएगा सीमा। महाद्वीप के चारों ओर जो जलीय भाग थे इसे वेगनर्स ने क्या नाम दिया, तो आपको आंसर लिखना है पैंथालासा। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो डायग्राम है इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो पैंजिया है, पैंजिया सभी महाद्वीप को इन्होंने सम्मिलित रूप से पैंजिया कहा, तो इस पैंजिया में जो बाइफर्केशन है लेट कार्बोनिफेरस काल के दौरान
आरंभ हो गया। बाइफरकेशन टूटने की प्रक्रिया या विभंजन मूवमेंट, तो उत्तरी भाग जो है अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड कहलाया, और इन दोनों के बीच में जो है 33 भूसन्नति का विकास हुआ। अब क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं कि किस काल के दौरान पैंजिया में विभंजन या विखंडन या बाइफरकेशन आरंभ हुआ। आंसर आपको लिखना है लेट कार्बोनिफेरस पीरियड, अंतिम कार्बोनिफेरस काल। पैंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया? आंसर आपको टिक करना है अंगारा लैंड। पैंजिया का दक्षिणी भाग क्या कहलाया? आपको आंसर टिक करना है गोंडवाना लैंड। अब इनमें जो बाइफरकेशन हुआ, इनमें जो मूवमेंट हुआ, इसके लिए जो उत्तरदायी शक्तियां थी, जिनमें पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है फोर्स ऑफ बायंसी, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है उत्प्लावन बल, तीसरा जो है टाइडल फोर्स, जो कि सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियों के कारण भी इनमें विभंजन और मूवमेंट आरंभ हुआ। मूवमेंट जो है दो प्रकार से हुआ, फर्स्ट जो है विषुवत रेखा की ओर या उत्तर की तरफ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट, और इक्वेटर साइड, विषुवत रेखा की ओर या उत्तर की ओर खिसकने से अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया ये अलग हुआ। टुवार्ड वेस्ट, पश्चिम की ओर मूवमेंट से उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट अलग हुआ। उत्तर की ओर प्रवाहित होने से 33 सागर में संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, कंप्रेशनल फोर्स जो है वो ओरिजिन हुआ, जिसे कि 33 सागर के तलछट जो है वलित हो गए, और वलित होने से एटलस आल्प्स हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ। मैप में ध्यान दीजिएगा, जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ तो यहां पर जो है कंप्रेशनल फोर्स ओरिजिन हुआ। कंप्रेशनल फोर्स या संपीड़न बल में क्या होते हैं, दो बल आमने सामने की ओर कार्य करते हैं, क्योंकि यहां से होकर नदियां जो प्रवाहित हो रही थी, तो इससे दोनों जो भूखंड है इसमें इरोजन की क्रिया हुई, अपरदन की क्रिया हुई, तलछट जमा हो गए, तलछट जमा होने से सेडिमेंटेशन की क्रिया हुई, सेडिमेंटेशन होने से जब ये कॉम्प्रेशनल फोर्स, ये जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ तो यहाँ जो सेडिमेंटेशन हुआ, इसमें कॉम्प्रेशनल फोर्स है, ये सेडिमेंट्स में क्या हो गया, फोल्डिंग शुरू हुआ, और इसी फोल्डिंग से जो है फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, जिसमें एटलस आल्प और हिमालय पर्वत प्रमुख हैं। पश्चिम की ओर प्रवाह होने से जब इनमें मूवमेंट जो है पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, इसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का निर्माण हुआ, और इस तरह से वेगनर्स ने अपनी परिकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि ये काफी, ये सिद्धांत इतना छोटा नहीं है, ये काफी वास्ट है, काफी लॉन्ग है, तो मैंने वेरी शॉर्ट में, जो आपको इंटर लेवल में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वेरी शॉर्ट में मैंने इसे समझाने की कोशिश की है। इसके पक्ष में बहुत सारे प्रमाण हैं, इसकी आलोचना भी काफी हुई, इसके लिए बहुत सारे शक्तियां कार्य करती है, जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल है, और इसके एविडेंस में बहुत सारे प्रमाण भी है। तो आपको ये सारे डिटेल्स जो है ऑनर्स में, पीजी में आप लोगों को पढ़ना है। वेरी शॉर्ट में मैं इसे समझाने की कोशिश की हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, और जो भी इससे रिलेटेड आपको परेशानी हो, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।